हाँ तो वेलकम बैक गाइस। फाइनली वो सैड न्यूज़ आ गई जिसका तुम सबको बहुत दिनों से इंतजार था कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मेरे को पर्सनली था नहीं, ठीक है ना, मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर को था कि वो आगे पूछते रहते थे। जब बीच में टॉपिक उठा था पबजी बैन हो गई, हाँ फाइनली पबजी बैन हो गई है, हो गई ठीक है। मैंने बैकग्राउंड में सैड सोल भी इसलिए चला रखे हैं कि ये तो हो गई बैन। एंड अब मैं जैसे बताना चाहूँगी ये बैन क्यों हुई थी जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैं मोबाइल प्लेयर नहीं हूँ, मैं हूँ एमुलेटर प्लेयर जो पबजी खेलता पीसी पे। हाँ तो जब गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में वो बैन किए थे अपने ऐप्स बैन किए थे, तो उसी के साथ साथ गेम लूप बैन हो गया था। गेम लूप बैन हो गया था। बात ऐसी है, अगर मैं अपना करूँ लॉन्च एल टी वार मिल, तो तुम गेम लूप को डाउनलोड कर नहीं सकते थे गेम लूप की साइट से। तो सबसे पहले बात है ये बैन, ठीक है ना। फिर इसके जो अल्टरनेटिव था एक मैमबू प्ले था, फिर मैंने काफ़ी दिनों उस पर खेला, फिर वो हो गया मैमबू प्ले बैन, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैमबू प्ले गेम लूप सारे बैन थे, क्योंकि पूरे चाइनीज थे गेम लूप एंड मैमबू प्ले दोनों चीज़ें, तो वो हुई थी बैन। लेकिन फिर भी वीपीएन लगा के ही डाउनलोड हो जाता था गेम लूप, प्लस तुम मैमबू प्ले पर भी गिर सकते हो अगर तुम्हें मैमबू प्ले करना था। तो अब देखो ये दिखा रहा है टेंसेंट को एक थ्रेड, ठीक है ना। जब मैं इसकी डिटेल मांगता हूँ तो ये दिखाता है कि ये है एडवेयर, ऐसा कुछ जो भी इसका नाम है, कि ये इसको बताता है एक एडवेयर नाम का मार्वेल है। तुम पढ़ोगे तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें जस्ट ये लिखा है कि ये एक ऐसा वायरस है जो जो एड्स होती है ना उसको टारगेट करता है, तुम्हारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है उसको चोरी करता है, जो भी तुम्हारी ईमेल हुई एंड जो भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हुए जैसे लिखा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को ये लेता है। एंड उससे जो पॉपअप आते हैं, जो पॉपअप एड्स आती है एंड जो भी आता है बेकार फेकार कचरा तुम्हारे ब्राउजर पे, तो ये उसको टारगेट करता है ये वाला वायरस। एक हाँ ये वायरस है, पर इतना बड़ा वायरस नहीं है कि कुछ दिक्कत हो, तो ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ से इसको क्लियर कर दूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद जब मैं दोबारा गेम लूप स्टार्ट करूँगा ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ये जो भी है ये मार्वल है, ये मैं इसको जितनी बार क्लियर करूंगा एंड जितनी बार मैं अपना गेम लूप स्टार्ट करूंगा दोबारा आ जाएगा। तो पहले होता गेम लूप बैन, अब गई पबजी बैन। हाँ तो तुम सोच रहे हो मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं करता हूँ स्ट्रीम। अब मेरे को ये जानना है तुम पबजी पीसी की स्ट्रीम देखोगे या वेलोरेंट की। ये है मेरे सब्सक्राइबर है, तुम्हें क्या पसंद, तुम्हें वेलोरेंट पसंद आ रही है, पबजी पीसी पसंद आ रही है, जो कुछ भी पसंद आ रही है। एंड अगर तुम मोबाइल प्लेयर हो हाँ तो कोई बात नहीं भाई, अभी तो मेरा चल रहा है, ठीक है ना, ये चल रहा है एकदम मस्त। मैं यहाँ जाऊँगा कुछ लगाऊंगा, तो राइट नाउ मैच भी मिलेगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो मेरा दोस्त है ठीक है, जब वो मोबाइल पे खेलता है तो हर 10 सेकंड बाद उसके लॉगिन का ऑप्शन आता है, बिकॉज वो मोबाइल डेटा पे, मेरे पास वाईफाई लगा है, तो थोड़ी बहुत देर में मेरे वाईफाई प्रोवाइडर भी इसको बंद कर देगा जो भी करना वरना है। तो ऐसा मेरे तो भी चल रहा है, लेकिन मेरे दोस्त का हर 10 सेकंड में आता है कि लॉगिन करो दोबारा, लॉगिन करो लॉगिन करो, ठीक है ना। अन मेरे दोस्त का ही सेटअप है क्योंकि मेरी आईडी पे खेल रहा था। टीम मैच, हम लेते लेट्स हैं गो। ग्लिटर। तो बस ये थी छोटी सी कि ये बैन है या आज चलेगी कल चलेगी उसका नहीं पता, ठीक है ना। जब तक चलेगी जब तक ठीक है, जब चलनी बंद हो जाएगी जबकि जब देखेंगे, चलनी तो बंद हो ही गई है मोबाइल पे, तो हो ही गई। एंड अगर तुम लाइव वाइव भी मारोगे तो अपना जीट एक्सप्री तभी भी कर रहा है। पबजी बैंड इन इंडिया, चलो इसकी राय देखते हैं। अरे पर इसकी मारते आजा। अभी जीट एक्स को पता नहीं एक्चुअली बैन हो गई है, ठीक है ना, ये मस्त है। एक और गाड़ी आ गई है, क्या इसको पता है? क्या वो सड़ी गरीबर गांड फट्टू की तरह है। देख पबजी बैंड इन इंडिया यही हाँ चल बस रहा है, पबजी यहीं बैंड पे है। फिर ये पर एक कार हो गई पीछे से। पबजी बैन गवर्नमेंट हैशटैग करना हो करना हो। डिप मूड, तो पता नहीं इसको कब पता चलेगा। हाँ लेकिन बैन है हैशटैग जो भी है ना, डिप मूड फलाना धमकाना, तो उसके भी एक है कि उसकी दिक्कत मत लो, एक गेम बैन हुई है, करियर बैन नहीं हुआ है, और भी गेम्स है जैसे मोबाइल पे अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है एंड मेनली कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, फ्री फायर तुम्हें कभी वो तो भाई एवी गेम है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है एंड और भी काफ़ी सारी गेम है अगर तुम सर्च करोगे तो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया मोबाइल पे करता नहीं हूँ, तो मैं मेनली पीसी प्लेयर हूँ, तो मेरे को पीसी गेम का पता है। जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन हो गया, हाइड्रोफ्लिक खेलता, वेलोरेंट हो गई, पबजी पीसी हो गई,
फॉल गाइस होगी, जो भी मेरे पास जैसे ब्राहल्ला पड़ी है, ऐसे ऐसे गेम काफी है मल्टीप्लेयर जो खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। फॉल गाइस होगी, आजकल मोर्टल खेलता है फॉल गाइस, स्काउट खेलता है, तन्मय भट्ट खेलता है, एंड अब तो अपने हर्ष बनीवाल ने भी एक दिन उसकी स्ट्रीम की थी। तो ऐसे ऐसे लाइक काफी गेम्स है, तो चिंता वाली बात नहीं, कभी ना कभी तो अनबैन हो ही जाएगी, नहीं हुई तो भी ठीक है, होगी तो भी ठीक है, अल्टरनेटिव है बंदों के पास। ए सैड मत हो, चिल करो, गवर्नमेंट ने करना था कर दिया, बेकार में कहीं ट्राई करो, वीपीएन लगाए खेलेंगे हम, ये करेंगे हम, वे करेंगे, जिस चीज़ ने गवर्नमेंट को बैन कर दिया वो बैन हो गई, अब बेकार में टेंशन मत लो, वो होगी बैन, मौज मारो अपने। ये देखो भूखू कैसे चिल कर रहा है ऐसे बैठ के, जो होगा देख लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हाँ हाँ, जो मेरा मेन मोटिव था कि मैं किस गेम की स्ट्रीम करूँ वो बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा। एंड चलो मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि मैं अब नहाए नहीं था, पूरी दिन ने स्ट्रीम की थी पबजी की, एंड मेरे को शाम को खबर मिली कि बैन हो गई, मेरे दोस्त ने बताई थी, होगी तो होगी भाई, ठीक है ना, चलो बाय।